आपका मेरे चल कॉमर्स गुची पर, और जो सीबीएसई के अकाउंट्स के पेपर का मैं सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा था बच्चों, उसका पार्ट ए हमारा खत्म हो चुका और पार्ट बी का सॉल्यूशन आज मैं आपसे स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करेंगे, बहुत पड़ रही है ठंड, फटाफट कर लो, फटाफट 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 फटाफट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट रेशियो इफ अ बिल पेबल इज डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी। यानी कि जो हमारा बीपी था, अगर समय आने पर उसकी मैच्योरिटी हो गई, यानी कि हमने पेमेंट कर दिया, तो करंट रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो बेटा हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद आपसे पूछा था कि द टू बेसिक मेजर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए कंपनी आर, यानी कि इनमें से आपको बताने थे कि कौन से दो ऐसे बेसिक मेजर हैं जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताते हैं। तो बेटा ए के अलावा कोई भी नहीं है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा था डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा था, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा था 1:2। आपसे कहा गया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 500,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। इससे हमारा ये क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा डेब्ट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 था कि स्टेट द टू इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ लेबर यूनियन। तो इसमें आप ये थ्योरी क्वेश्चन था, बेसिकली आपने कर लिया होगा। सॉल्व करने वाला आप क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। मिसेस मेवो एंड सन्स ए बेम्बू पेन प्रोड्यूसिंग कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 9,00,000। इट रिसीव डिविडेंड 70,000 इन्वेस्टमेंट से द कंपनी ऑल्सो सोल्ड ओल्ड मशीन। बेच दिया आपको बताना था। ओहो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेरी वेरी गुड्स, वेरी वेरी गुड्स, वेरी वेरी गुड्स। सबसे पहले मैं इनफ्लो की बात कर लूं, यानी कि जहां पैसा आ रहा है वहां देखिए डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है 70,000 का, और मशीनरी बेची है, सेल्ड ऑफ ओल्ड मशीनरी, बुक वैल्यू 79,000 की, 10,000 के लॉस पे बेची, यानी कि 69,000 की बेच दी होगी। और आउटफ्लो की बात करूं तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना है हमारा? परचेज ऑफ मशीनरी 9,00,000। अब इसी समझ में आ रहा है, यहां 70,000, 69,000 और वहां 9,00,000। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 9,00,000 को में से ये माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा माइनस के 7,61,000, यानी कि नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसका आंसर 7,61,000। क्वेश्चन नंबर 28 था कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, पेटेंट परचेज बाय कंपनी विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं सर, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 29, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इनको मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट था पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर डिबेंचर बाय एन इन्वेस्टिंग कंपनी। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ गुडविल, परचेज का नाम आते ही हमारे माइंड में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है, तो उसके सामने ही जस्ट आंसर है। डिविडेंड पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी कि एक तरीके से फर्स्ट का सी, सेकेंड का बी और थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओहो, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 7,00,000, 6% डिबेंचर दे रखे हैं 20,00,000 के, और टैक्स रेट है 30%। जब आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। तो देखो बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 7,00,000। इस चीज में से हमने 30% कोई चीज माइनस कर दी तभी तो आया। तो हम अगर उल्टा कर दूं 100
अपॉन 100 माइनस 30। तो नेट प्रॉफिट मेरा जो बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा 10 लाख। आ गया ओके। अब इंटरेस्ट पेमेंट की बात करूं, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करूं तो कितना है डिबेंचर 6%, यानी कि 20 लाख का 6% करूंगा तो कितना आएगा 1,20,000। अब ये 10 लाख और ये 1,20,000 दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा ये आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 11,20,000। मैं फॉर्मूला लगाता हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया 11,20,000, 10 लाख में 1,20,000 जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई अब हमारा क्या था नीचे क्या आता इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कितना था 1,20,000। इसको सॉल्व करूंगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा 9.33 टाइम्स। इसी में एक ऑप्शन में क्वेश्चन था 13 ही मान लो ऑप्शन था कि अंडर विच मेजर हेडिंग, ये मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो डाली भी थी कि क्वेश्चन आता ही आता है, तो देखिए इसके सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम विल बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट। ओके तो मैं मेजर हेड और सब हेड बना लेता हूं, मेजर हेड एंड सब हेड। तो देखिए पहला था डिबेंचर विद मैच्योरिटी पीरियड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, वो डिबेंचर जिसका पेमेंट इसी साल करना है, तो ये हमारा जो मेजर हेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेंट लायबिलिटी, काफी घुमाने वाला था। और सब हेड क्या रहेगा अदर करेंट लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट एक साल के अंदर ही करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तो बच्चों को मालूम है शेयर होल्डर फंड इसका मेन हेड होता है और रिजर्व एंड सरप्लस इसका सब हेड होता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हमारी नन करेंट लायबिलिटी है मेन हेड इसका और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है सब हेड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसका क्या था बेटा सब हेड। तो ये हमारा 30 का ऑप्शन वाला भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आया था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसमें हमें क्या बनाना था कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना था, जो आपको एज इट इज दे रखा है आपको मिसिंग फिगर दे रखा है। ओके तो बेटा मैं सिर्फ मिसिंग फिगर बताता हूं, देखते जाना। सबसे पहले देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 17-18 का मिसिंग फिगर दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 17-18 का मिसिंग फिगर दे रखा है और एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कितने का दे रखा है 2 लाख का। कोई चीज 16-17 में 10 लाख की थी, 17-18 में पता नहीं लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो कितनी बढ़ गई 2 लाख, यानी कि 17-18 में कितनी होगी 12 लाख। यहां कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। उसके बाद क्वेश्चन हमें आइए अदर इनकम में, अदर इनकम में देखिए बेटा टोटल रेवेन्यू में भी देख लीजिए टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है 12,60,000, ऊपर 60,000 है मिसिंग है। ओके 12,60,000 आ जाएगा। ओके अदर इनकम में आप 16-17 का ऑप्शन नहीं दे रखा और एब्सोल्यूट में भी कुछ नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन में कितना परसेंटेज दे रखा है 20%। समझ में आ रही बात, 20% दे रखा है। 20% का मतलब क्या है बेटा कि हमने जो हमारा सी निकल के आया होगा उससे हमने ए से डिवाइड किया होगा इंटू 100, तो उसमें कितना आया हमारा 20% आया। तो अब देखिए अगर आप बेटा एक चीज पर ध्यान दें, अगर आप इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस के बाद जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 लाख दे रखा है, क्लियर है 10 लाख दे रखा है। यस सर। उसके ऊपर कितना है 50,000 टोटल रेवेन्यू मिसिंग है। ओके टोटल रेवेन्यू मिसिंग है। ओके टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ जाएगा 10,50,000। अब 10,50,000 में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है और ये 10,50,000 है, यानी कि सेकंड जो मिसिंग वाली वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50,000 और उसी का जो एब्सोल्यूट चेंज है वो कितना आ जाएगा 10,000। बस बाकी सब में आपको तीन में रेट निकालना था तो आप सी डिवाइड बाई ए अपॉन 100 करके इजिली निकाल सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे और हो सकता है वो आपके सैंपल पेपर के सॉल्यूशन का